शारदीय नवरात्र के बाद आज पहली मुलाकात है। कल पूजा गली लक्ष्मी पूजा भी बीता, सामने प्रकाश का पर्व भी आने वाला है, लेकिन हमको लगता है कि कुछ लोग जो जिनको हम कह सकते हैं कि सावन के अंधे हैं, उनको हर वक्त हरा हरा ही नजर आता है। कल विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ आए, बहुत तामझाम था। शहर तो ऐसे लग रहा था कि कोई मेघदूत आने वाला है, लेकिन जब यहां पर आए और भाषण शुरू किए तो हमको लगता है कि बाबूलाल जी से लेकर नड्डा जी तक को हकीकत मालूम चल गया कि अब नुक्कड़ सभा के अलावा इनके पास और किसी भी तरह का सभा करने का जन आशीर्वाद नहीं है। मैं बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहता हूं कि बाहर से जब लोगों को लाते हो तो कम से कम जो हाट बाजार का दिन है उस दिन चौकी लगाकर हाट बाजार में सभा करवा दो, तो कम से कम हमारे प्रदेश के एक रहेगा कि कम से कम कुछ लोग तो सुनने गए थे, भले आलू प्याज खरीदने गए, लेकिन मानेंगे नहीं। लगता है कि संकल्प के बाद पूरा जनादेश उनके साथ हो गया है। आपको कुछ वीडियोस हम पहले दिखा देते, फिर नड्डा साहब जी के बारे में कुछ बात करें। ये पहला है जब बाबूलाल जी बोल रहे थे, खचाखच भरी हुई कुर्सियां, बड़ा टीवी भी करवाइए, बड़ा टीवी भी करवाइए, यही बड़ा है। विजुअल और दिखाते, ये तो बाबूलाल जी थे जो प्रदेश के अध्यक्ष थे, अब जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे थे तो क्या स्थिति आती। लाल कुर्सी भी खाली हो गई, नीला पूरा खाली, लाल भी खाली, ये है स्थिति कल के सभा का, जो विशाल आम सभा हुआ जिसमें पूरे राज्य से 1200 आदमी जुटे थे, और उसमें नड्डा जी कह रहे थे, एक एक पॉइंट पे आते, महिलाओं पे अत्याचार, आदिवासी महिलाओं पे अत्याचार,
नड्डा जी, मणिपुर किस देश का राज्य है, वहां कौन लोग रहते हैं, किनको बीच सड़क पर पुलिस हैवानों के हाथ में छोड़ती है जो उनको नग्न करके घूमते हैं, उसका फोटो बनवाते हैं, वीडियो बनवाते हैं, मध्य प्रदेश में किसकी राज है जहां उज्जैन में निर्वस्त्र करके लड़की को घुमाया जाता है, उसका रेप किया जाता है, आदिवासी पर पेशाब किया जाता है। नड्डा जी बताइए, आपके गृह मंत्री के अधीन दिल्ली पुलिस ने जिस सांसद को बलात्कार का आरोपी बनाया, वो पुलिस उनको क्यों नहीं पकड़ती है? अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियां जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का मान बढ़ाया, शर्म नहीं आता है क्या आपको? राष्ट्रीय अध्यक्ष है किसी पार्टी के, महिलाओं की बात करते हैं, आदिवासियों की बात करते हैं, कहते आदिवासी राष्ट्रपति बनाया महिला को, दलित राष्ट्रपति थे इसके पहले, आप लोगों ने ही कहा था, तब संसद के नींव रखने में उनको नहीं बुलाया गया, संसद के उद्घाटन सत्र में जिसकी संरक्षक राष्ट्रपति है उस आदिवासी महिला को नहीं बुलाया गया। आदिवासी की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं, राजनीतिक तौर पे पराजित होने के बाद शर्म हया तो आप लोग को है ही नहीं। कम से कम अपनी गरिमा तो याद रखिए कि आप सांसद हैं भैया, हम लोगों को मालूम है आपके बारे में, जो अपना गृह राज्य बहुत छोटा सा राज्य है हिमाचल, वहां चुनाव नहीं जीता सकता, वो चला है झारखंड को सिखा, बोलते शराब माफिया, सार्वजनिक कीजिए जोगेंद्र तिवारी ने किनका किनका नाम लिया, आप में हिम्मत है तो बताइए स्पष्ट पत्र जारी करके कि जोगेंद्र तिवारी के ऑफिशियल अकाउंट से सुनील तिवारी के मार्फत बाबूलाल जी को पैसा गया कि नहीं गया। आप लैंडस्कैम की बात करते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा लैंडस्कैम यदि कोई किया तो वो मोदी सरकार ने अदानी के साथ मिलकर, पोर्ट जो पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का था उसको अदानी को दे देने का काम किया, एयरपोर्ट जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का था उसको अदानी को दे देने का काम किया। लैंडस्केप की बात करते हैं, कहते कि ईडी से क्यों भागते हो, अरे शर्म करो नड्डा जी,
ईडी ने जिसकी संपत्ति जब्त की, आप उसको महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बना दें। ईडी ने जिसकी संपत्ति जब्त की, वो नारायण राणे को आपने केंद्र में मंत्री बनाया। बड़का राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं झारखंड में आंख दिखाने। कौन सा आपके पास में सबूत है केवल और केवल झूठ के सहारे जो भारतीय जनता पार्टी आज चल रही है? आपके नेता ने महसूस कर लिया जब झारखंड घूमने का काम किया, हटिया जहां चुनाव जहां सभा हुई वहां आपके विधायक 500 मीटर की दूरी पर रांची का विधायक आपका दो किलोमीटर के दूरी पर कांके का विधायक आपका कहते 6 विधानसभा का मात्र बुलाए और उसमें सभी स्तर के लोग बूथ बूथ का प्रभारी था। अरे जितना 6 विधानसभा का मिलाकर बूथ है उसका आधा भी लोग नहीं, वोटर तो छोड़ दिए। ये है आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई। अब सुन रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी भी आएंगे 15 तारीख। पिछले बार चुनाव नहीं था तब राष्ट्रपति जी को भेजे थे, अब ये लोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को भी प्रचार तंत्र में लेके आ रहे। पहले तो सुने थे कि सीबीआई है, ईडी है, आईटी है, जब जब जरूरत पड़े राष्ट्रपति को उस तरह से उपयोग कर रहे हैं। पिछले बार आदिवासी गौरव दिवस था, इस बार सुन रहे हो गौरव समाप्त हो गया। अब कोई विकसित वाला कोई संकल्प है क्योंकि चुनाव आने वाला है? मतलब अपने संविधान अनुसार छत्तीसगढ़ लोग जा नहीं पा रहे, राजस्थान में लोगों ने मना कर दिया। हल तो ये हो गया जहां उनका एनडीए का शासन है मिजोरम में, वहां के मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक तौर पे बयान दे दिया कि प्रधानमंत्री जी आप मेरे सभा में मत आइएगा, मेरे कुर्सी पे मेरे साथ मत बैठिएगा क्योंकि आप भयावह चीज है, आप आदिवासी विरोधी हैं, आप नॉर्थ ईस्ट विरोधी है, आप आएंगे तो मैं चुनाव हार जाऊंगा। यह हम लोगों ने नहीं कहा, एनडीए के घटक दल ने कहा। अब प्रधानमंत्री जी का भी यह स्थिति हो गया कि लोग मना कर रहे हैं कि कर्नाटका में आप जहां जहां गए हम लोग चुनाव हार गए।
हिमाचल में गए तो हम लोग चुनाव हार गए, दिल्ली में अमित शाह जी घूमे तो हम लोग हार गए। अब परहेज करने लगे हैं लोग, कि नड्डा जी मत आइए, आइएगा तो यही स्थिति होगा, नीला कुर्सी खाली लाल कुर्सी खाली। भैया पैसा कौड़ी यदि आपके पास ज्यादा है, टेंट वाला को जो पैसा देते हैं उस पैसे से कम भाजपा दफ्तर के सामने लंगर लगवाइए, और मोदी जी ने जिन लोगों का निवाला छीन लिया है कम से कम दो वक्त का उनको खाना तो खिला दीजिए। क्यों इतना बैनर पे खर्चा करते हैं? तो इसलिए जो हकीकत है उससे आपको आज हम लोगों ने अवगत करवाया, और साथ साथ नड्डा जी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को भी यह आग्रह करता हूं कि जितने भी लोग को आपको निशाना बनाना है आप बना लीजिए, लेकिन ईडी को एक बात जरूर बताइए, गुजरात सरकार के विद्युत विभाग ने अडानी जी को कहा है कि आप 3,000 करोड़ रुपए हमसे ज्यादा बिलिंग किए हैं उसको लौटाइए, जो कोयला के खरीद में आप घोटाला किए। नड्डा जी अब पढ़े लिखे आदमी है, बाकी तो पीएमएलए खूब करते हैं आप लोग। आप बताइए इंडोनेशिया से कोयला चला गुजरात के लिए, 3,000 करोड़ रुपए ज्यादा दिए गुजरात सरकार ने, बिलिंग क्यों हुआ दुबई से, बिलिंग क्यों हुआ ताइवान से, बिलिंग क्यों नहीं हुआ इंडोनेशिया से? क्या ये पीएमएलए नहीं है? क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है? सरकारी पैसा का मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है और ईडी का उस पर कोई प्रश्न नहीं है, तो कौन विश्वास करेगा आज के दिन में ईडी को? आज ईडी को भी अपना औचित्य को साबित करने का चुनौती है कि भाजपा के सरकार में ईडी का भी औचित्य अब समाप्त हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। के तौर पे सीटों को साझा किया जाएगा, हमारे भी जो कार्यकर्ता गण है, हमारा जो कंस्टिट्यूएंसी है, हमारे जो कैडेट्स हैं, उनकी भी इच्छा रहती है कि हम 81 विधानसभा चुनाव लड़े, और स्वाभाविक है ये होना चाहिए, लेकिन जब बातें तय हो जाती है तो एक दूसरे का हम लोग सहयोग करते हैं, तो ये बहुत स्वाभाविक चीज है अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देने का कि गैरअप होना चाहिए। हम लोगों ने भी पिछले दिनों आप देखे होंगे कि हमारे कार्यकारी अध्यक्ष ने हमारे प्रखंड अध्यक्षों को, हमारे जिला अध्यक्षों को, सचिवों को चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा है। अब कहां से कौन उम्मीदवार होगा जब हमारा नेतृत्व तो बैठेगा, हमारे सहयोगियों का नेतृत्व तो बैठेगा, तो तय हो जाएगा। दादा मतलब ये मान लिया आपके आप बड़े भाई नहीं है, उसका तो ये मतलब नहीं है। देखिए बड़ा भाई छोटा भाई कहाँ से आप लोग लाते हैं, छोटू माने छोटू लंबू एगो कार्टून आता है तो सुन लेते। नहीं नहीं जेएमएम के नेता ही बोलते हैं ना कि हम बड़े भाई हैं, और ये सवाल इसलिए रेलिवेंट हो जाता है, एक सुन लीजिएगा, क्योंकि अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच अभी एमपी में जो हुआ उसके बाद आप
सवाल ये बात ही उठता है ना कि आप यहाँ सहयोगी हैं, आपके साथ भी कल को कांग्रेस ये कहेगी, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? देखिए, मौसी का मोच होगा तो मामा होगा, ये सब बात अलग बात है, लेकिन जब साझा होता है तो साझा ही चलता है। आप जानते हैं कि हमारे एक सहयोगी दल का एक ही विधायक चुनाव जीत के आया था पिछले विधानसभा चुनाव, और भले हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी हो, लेकिन हमारे पार्टी के मंत्रियों ने बाद में शपथ लिया, लेकिन सहयोगी दल को पूर्ण सम्मान देते हुए हमने एक व्यक्ति को ही मंत्री बनाया था। ये होता है सहयोग की भावना। आज पीएम जो है वो मन की बात में महानायकों का जिक्र किए हैं, झारखंड के तमाम महानायकों का नाम तो वो चुनावी राजनीति के लिए लेते हैं, अन्यथा उनके मन में क्या है तो वो तो उनके कामों से स्पष्ट दिखता है कि उनके एक गृहमंत्री है मध्य प्रदेश के, अपने ही पार्टी के सांसद को जिस प्रकार नचवाते हैं, इनका जो अंदर का जो सोच है वो अलग होता है। इन लोग का बारे में कहावत है ना कि मुंह में राम बगल में छुरी, बड़ा सावधान रहने की जरूरत है। दादा एक सवाल है, रघुवर दास अब राज्यपाल बन गए, ठीक है, रघुवर दास से जुड़े बहुत सारे यहाँ मामले जो है पहले ही चल रहे हैं, चाहे टॉफी घोटाला हो, चाहे सरजू राय जी उठाते हैं मेंढक का मामला हो, या फिर मेमेंटो झारखंड का मामला, इसमें आप लोग जांच नहीं करता, अब क्या होगा? मतलब सरकार उस पर मतलब आगे बढ़ेगी या राज्यपाल बन गए तो क्या होगा? देखिए, जब सैया भय कोतवाल तो डर का है, इसलिए तो, क्योंकि ईडी का भी जो माइनिंग वाला आ रहा था उसमें भी देखेंगे कि उनके जमाने में यही प्रेम प्रकाश, यही दाहू यादव, ये लोग किस प्रकार से रेलवे रैक में लोडिंग करते, सब बातें आ रही हैं धीरे धीरे, इसलिए तो इनको एयरलिफ्ट करके एक कॉन्स्टिट्यूशनल, हम तो पहले ही कहते कि रेस्क्यू ऑपरेशन में अब लग गई है भारतीय जनता पार्टी। जितने इस तरह के लोग हैं, मेरे हिसाब से ये राज्य सरकार का मामला, राज्य सरकार जांच करा रही है, टॉफी घोटाला हो, देखिए वो तो राज्य सरकार करवाएगी, उस पर जांच पे कोई आंच नहीं आएगी, लेकिन एक संवैधानिक पद पर जब चल जाता है कोई, 31 के बाद ही जाएंगे, और हम कोई दुर्भावना से काम नहीं करते कि उसके पहले उनको कहीं करे, उनको शुभकामना है। दादा, कल नड्डा जी का एक विषय छूट गया, कन्वर्जन को लेकर उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार में कन्वर्जन बड़ा इंकरेज किया गया है, और पर्पस इसका ये है कि वोट बैंक बढ़े चाहे आदिवासियों की अपनी तहजीब और तमद्दुन बर्बाद हो जाए। देखिए ना, इन लोग को बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, डेटा भी तो होना चाहिए, उदाहरण भी तो होना चाहिए। इनसे पूछिए ना कि कहां पर हुआ है धर्मांतरण, किसका हुआ है धर्मांतरण, ये लोग तो सरना को भी नहीं मानना चाहते और ये लोग धर्मांतरण पे बात करते हैं। जब डेटा नहीं है आपके पास, बहुत चिल्लाए थे ना CAA NRC कहां गया? तो ये सब देखिए, लोग का बात को आप लोग यदि गंभीरता से लेंगे ना पत्रकार होते हुए, तो पजल्ड हो जाइएगा, और आगामी मई आते आते हमको लगता है कि आप लोगों का स्थान हम ही को रखना पड़ेगा काफी। ये लोग के बात को एकदम ध्यान में मत दीजिए, एकदम।